नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश, और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की बेटी मान्या सिंह ने नाम रोशन किया है। फेमिना मिस इंडिया में चुनी गई फर्स्ट रनर अप, और मुंबई में ऑटो ड्राइवर हैं मान्या सिंह के पिता। वहीं मान्या की माता करती हैं डिजाइनर का काम। देवरिया जनपद की सहवा महवा से मान्या सिंह ने इंटर्न पास की। इसके बाद माता पिता के साथ मान्या मुंबई चली गई। फेमिना मिस इंडिया में विजेता रहने पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, और जरा देखिए जब आपके अंदर जुनून होता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, और आप जानते हैं कि किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो फिर वो होता है, जिंदगी में होता है। यूपी की बेटी मान्या सिंह ने सब कुछ करके दिखाया है। फेमिना मिस इंडिया में चुनी गई फर्स्ट रनर अप। अब जरा सोचिए परिवार किस दौर से गुजरा होगा। मुंबई में ऑटो ड्राइवर है मान्या सिंह के पिता। मान्या की माता करती है डिजाइनर का काम। देवरिया जनपद की सहवा महवा से मान्या सिंह ने इंटर्न पास की, और इसके बाद माता पिता के साथ वो भी मुंबई चली गई। किस्मत आजमाई और फेमिना मिस इंडिया में विजेता रहने के बाद क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, बेटी पर गर्व है। बात करते हैं कुशीनगर में कोहरे के कहर के। दरअसल कोहरे के चलते एनएच 28 पर अलग अलग तीन जगहों पर सड़क दुर्घटना हुई है। सड़क हादसों में एक की मौत हो गई है, तीन घायल हो गए हैं। मंजरिया पेट्रोल पंप के नजदीक दो ट्रकों के अंदर भिड़ंत हुई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, इस दौरान दूसरा घायल हो गया। वहीं बनवीरा के नजदीक मुर्गी लदा बीसीएम भी पलट गया, और इसमें ड्राइवर घायल हो गया। बस और ट्रक में हुई भिड़ंत में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमुही राज ओवरब्रिज पर यह तीसरी घटना हुई, और तरिया सुजान थाना क्षेत्र में एनएच 28 पर ये तीनों घटनाएं घटी हैं। अगर तीनों घटनाओं का जिक्र किया जाए तो कोहरा इसके पीछे की एक बड़ी ना वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इन तीन हादसों में एक की मौत हो गई है, जबकि तीन घायल हुए हैं। मंजरिया पेट्रोल पंप के नजदीक दो ट्रकों में भिड़ंत हुई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हुई है, दूसरे के घायल की खबर है। वहीं बनवीरा के नजदीक मुर्गी लदा डीसीएम पलट गया, और ड्राइवर इस दौरान घायल हो गया। बस और ट्रक में एक भिड़ंत हुई, इसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है, और इस तरीके से एक की मौत और अन्य घटनाओं में गंभीर हुए हैं। उम्मीद करेंगे जो गंभीर हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हों। और अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की, जो जल्द शुरू होने वाला है, और इस बार का विधानसभा सत्र पेपरलेस होगा, यानी कि विदाउट पेपर होगा, कागजों का इस्तेमाल नामात्र के लिए होगा। सत्र के लिए आज से विधायकों की आईपैड चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। विधायकों की दो शिफ्ट में 14 फरवरी तक यह ट्रेनिंग चलने वाली है। ट्रेनिंग के लिए विधायकों के 6 ग्रुप बाकायदा बना दिए गए हैं, और हर ग्रुप को 3 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये समय भी हम आपको बता रहे हैं, दरअसल किस तरीके से ये ट्रेनिंग दी जा रही है। सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक पहला सत्र, दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ट्रेनिंग। सभी विधायकों को इस दौरान एप्पल कंपनी का आईपैड दिया जाएगा, और जितनी भी चीजें होंगी वो सब आईपैड के जरिए होंगी। जितने भी सवाल लगेंगे, जितने भी जवाब होंगे, उनकी जो कॉपी होगी, विधानसभा की प्रोसीडिंग होगी, विधानसभा से जुड़े नियम होंगे, और जो भी कार्रवाई के दौरान होगा वो सब पेपरलेस होगा, और इसके लिए सभी को आईपैड दिए जा रहे हैं। आईपैड चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि बाद में विधायक ये ना कहे कि उसको समझ नहीं आया कि प्रोसीडिंग किस तरीके से चलने वाली है, और उसको जो सवाल उठाना है या फिर कार्रवाई में जिन पेपर की जरूरत होगी उनका इस्तेमाल कैसे आईपैड के जरिए करना है। दो शिफ्ट के अंदर बाकायदा 14 फरवरी तक ये ट्रेनिंग चलेगी। पहली शिफ्ट 10:30 से 1:30 बजे और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चल रही है, जिसमें सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में संचालित गर्ल्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सपा नेता राकेश अग्रवाल के होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस की छापेमारी में उज्बेकिस्तान की 2 युवती और 5 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। युवतियों को ऑन डिमांड भेजने के लिए रैकेट ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे थे। उज्बेकिस्तान युवतियों के फर्जी आधार कार्ड पर दिल्ली का एड्रेस मिला है। पुलिस अब गैंग के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। हालांकि इसको लेकर भी राजनीति होती नजर आएगी, लेकिन आगरा के ताजगंज क्षेत्र में ये गर्ल सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ हुआ है।
इसके तार सपा नेता से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि सपा नेता राकेश अग्रवाल के होटल के अंदर ये जिस्म परोशी का धंधा चल रहा था, जिसमें दो युवती और पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया है। युवतियां उज्बेकिस्तान की बताई गई, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे और उन युवतियों के फर्जी आधार कार्ड पर एड्रेस दिल्ली का था। पुलिस अब गैंग के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है कि किस तरीके से उज्बेकिस्तान से लड़कियों को यहां लाया जाता था, फर्जी आधार कार्ड किस तरीके से बनवाया जाता था और कहां सप्लाई किया जाता। कोरोना काल के दौरान एक चेहरा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया और वो चेहरा था सोनू सूद का, फिल्म अभिनेता सोनू सूद का। अब बंदर भी पकड़वा रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता सोनू सूद, यानी कि जिसको जैसी हेल्प चाहिए वो सोनू सूद को याद कर रहा है। एक युवक ने ट्वीट कर मांगी थी मदद, तो गांव पहुंची शिकारियों की टीम। उत्पाती बंदर के आतंक से मुक्ति दिलाने के ट्वीट पर हरकत में आया वन विभाग। माहिर शिकारियों के साथ कुशीनगर के गांव परवर पार पहुंची टीम। कड़ी मशक्कत के बाद जो उत्पाती बंदर था उसको पकड़ दिया गया। फिल्म अभिनेता ने इस पर आए खर्च के भुगतान की भी पेशकश की, लेकिन विभाग ने इसे स्वीकार न कर स्वयं खर्च उठाने की बात कही। बंदर को गोरखपुर के कुसेही जंगल में छोड़ा जाएगा। वहीं साइकिल से कॉलेज जा रही छात्रा को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया है। हादसे में छात्रा मानसी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आरएमपी डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा मानसी थी। सुबह कॉलेज जाते समय यह हादसा हुआ और इसके बाद जैसे ही परिवार वालों को इसकी जानकारी लगी, परिवार में कोहराम मच गया। घर में चार बहनों में सबसे छोटी थी मानसी, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। हादसे को अंजाम देने वाला वाहन मौके से फरार हो गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र में नानकारी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। मानसी ने सोचा नहीं होगा, परिवार वालों ने सोचा नहीं होगा कि पढ़ाई के लिए बच्ची घर से निकल रही है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आएगी और मौके पर ही मानसी की मौत हो जाएगी। दर्दनाक हादसा हुआ। आरएमपी डिग्री कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी मानसी, और जैसे ही सुबह घर से निकली वो इस हादसे का शिकार हो गई और परिवार को जैसे ही जानकारी लगी, परिवार का रो रोकर बुरा हाल, परिवार में कोहराम मच गया है। चार बहनें हैं घर में, सबसे छोटी मानसी थी, और जैसे ही सबको ये जानकारी लगी सबका रो रोकर बुरा हाल। इंसानियत तो दिखाई नहीं दी, क्योंकि इस घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। कोतवाली देहाती क्षेत्र में नानकारी पेट्रोल पंप के पास यह घटना घटी है। और अब बात करते हैं यूपी में श्रमिकों और उद्यमियों के बीच पहली बार महापंचायत की। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में यह महापंचायत होगी। कोरोना काल में उद्यमियों ने श्रमिकों को निकालकर बेरोजगार किया। श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि श्रमिकों की पीड़ा और उद्यमियों की समस्या को लेकर यह महापंचायत हो रही है। दोनों का तालमेल कर समस्याओं का निदान करने का उनका मकसद है, और इसका एक मकसद बेरोजगारों को एक बार फिर से रोजगार मिल जाए और उद्यमियों पर उसका भार भी ना पड़े। यानी कि मुमकिन है कि श्रमिकों को उद्योगों में शिफ्ट भी किया जाएगा और उद्यमियों पर ज्यादा भार ना पड़े, इसलिए पहली बार इस तरीके की महापंचायत होती हुई दिखाई दे रही है और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में महापंचायत हो रही है। कोरोना काल में उद्यमियों ने श्रमिकों को निकालकर बेरोजगार कर दिया था। श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला ने यह पहल की और कहा कि श्रमिकों की पीड़ा और उद्यमियों की समस्याओं को लेकर यह महापंचायत हो रही है। दोनों का तालमेल कर समस्याओं का निदान करना इस महापंचायत का मकसद होगा। और अब बात करते हैं कुर्सी के रोब में चोर साहब ने लांघी मानवीय संवेदनाएं। बात उप जिला अधिकारी बेलहौर का अमानवीय चेहरा सामने आया। उप जिला अधिकारी मीनू राणा का दिल नहीं पसीजा। दरअसल सड़क किनारे घायल पड़े सफाई कर्मी को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। उप जिला अधिकारी को रास्ते से गुजरते वक्त सड़क पर वो कर्मचारी पड़ा मिला था। अब जरा सोचिए, जहां कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने जान हथेली पर रखकर मानव धर्म निभाया था, अब वही सफाई कर्मी ऐसी दुर्गति और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरों की गवाही दे रहे। ऐसे में साहब को लगाना चाहिए था मदद का मरहम, लेकिन साहब ने पीठ मोड़ दी। बेजान वस्तु की तरह रास्ते में और रास्ते से उठवाकर फुटपाथ पर डाल दिया गया।
बिल्होर उपजिलाधिकारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, ये खबर बता रही है कि संवेदनहीनता की हदों को पार किया गया, क्योंकि उसको सड़क से उठाकर फुटपाथ पर डलवा दिया गया, अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। वो सफाई कर्मी तड़पता रहा, लेकिन उप जिलाधिकारी का दिल नहीं पसीजा। अब जरा सोचिए, यही वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके लिए सम्मान की बात की जाती है। कोरोना काल में इन्हीं सफाई कर्मियों ने जान हथेली पर रखकर मानव धर्म निभाया। वहीं अब सफाई कर्मी ऐसी दुर्गति और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरों में पीड़ित की तरह नजर आते। ऐसे में साहब को लगाना चाहिए था मदद का मरहम, लेकिन वो पीट दिखाकर पीट मोड़ कर चले गए। बेजान वस्तु की तरह रास्ते से उठवाया और फुटपाथ पर डाल दिया, अपनी गाड़ी ली और निकल गए। बिल्होर उप जिलाधिकारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जमकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और अब बात करते हैं बहराइच में मुहिम बनकर उभर रही योद्धाओं के राष्ट्रीय सम्मान की मांग। चैलारी नरेश राजा बलभद्र सिंह को राष्ट्रीय सम्मान की दरकार है। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा बलभद्र सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की छक्के छुड़ा दिए थे, पसीने छुड़ा दिए थे। महज 18 साल की उम्र में राजा बलभद्र सिंह ने 13 जून 1858 को विदेशी सल्तनत से लोहा लिया था। बाराबंकी के ओवरी के मैदान में अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए गए थे महज 18 साल की उम्र में। बेगम हजरत महल और उनके पुत्र की अंग्रेजों से रक्षा करके वो सुर्खियों में आए थे। राजा बलभद्र सिंह की याद में उत्तराधिकारियों की सरकार से मांग। बहराइच सीतापुर मार्ग के टिकोरा मोड़ पर बलभद्र सिंह के नाम पर प्रवेश द्वार बनाया जाए। बलभद्र सिंह के नाम पर प्रदेश का सबसे लंबा चैलारी पुल, भव्य प्रतिमा, स्मारक बनाकर पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। बात करते हैं योगी सरकार ने जनहित में लिए बड़े फैसले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के निर्देश दे दिए गए। यूपी द्वारा कोविड पूर्व समस्त चिकित्सा सेवाओं को पुनः शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं और सभी मेडिकल कॉलेजों को सेवाओं को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव जीएस प्रियदर्शी ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए, यानी कि कोविड को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव किए गए थे उन बदलावों को एक बार फिर से शुरू करने के आदेश दे दिए गए, ताकि सामान्य जनजीवन अस्पतालों में भी सामान्य तरीके से इलाज करवाता हुआ नजर आए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पीसीएस अफसरों के बंपर तबादले की। पीसीएस कुमार विनित एमडी यूपी डीएससीओ बने हैं। विशेष सचिव इलेक्ट्रॉनिक की अतिरिक्त जिम्मेदारी वो संभालेंगे। आईएएस नेहा प्रकाश के तबादले के बाद पोस्टिंग और पीसीएस अफसरों के तबादला एक्सप्रेस एक तरीके से शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। बंपर तबादले किए गए हैं। पीसीएस कुमार विनित एमडी यूपी डीएससीओ बने और उनके पास अब विशेष सचिव इलेक्ट्रॉनिक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होगी। वहीं आईएएस नेहा प्रकाश के तबादले के बाद पोस्टिंग दी गई है। पीसीएस अफसरों की तबादला एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। लखनऊ से शिशिर अवस्थी की रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी विधायकों की निष्क्रियता बन सकती है संकट। मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था 2017 का चुनाव, लेकिन 2021 आते आते योगी आदित्यनाथ ने भी ये सिद्ध कर दिया कि राजनीति पर केवल नेताओं का नहीं है एक अधिकार। मोदी योगी कॉम्बिनेशन से बेशक बीजेपी के लिए चुनाव दर चुनाव जीत हुई आसान रहा, लेकिन पार्टी के वर्तमान विधायकों में निष्क्रियता का भाव है। किसान आंदोलन में भी बीजेपी के कुछ एक नाम छोड़कर सभी विधायक पूरे तरीके से निष्क्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। सरकार के मंत्रियों का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब विधानसभा 2022 के लिए बचा है करीब एक साल से कम का वक्त। अगर यूपी में किसान आंदोलन का असर दिखाई दिया तो 2022 विधानसभा चुनाव में बची कुची कसर
ये निष्क्रिय विधायक भी पूरी कर देंगे या समय रहते इस पर विचार किया जाएगा। और अब बात करते हैं दो दिल मिले मगर चुपके चुपके। यूपी में किसान आंदोलन के बाद साथ आ रहे पुराने साथी बात पश्चिमी यूपी में राजनीतिक समीकरण की कर रहे हैं। 2013 मुजफ्फरनगर के बाद मुसलमानों और जाटों की नई समीकरण की तरह इसको देखा जा रहा है। आंदोलन में जाटों को मुसलमानों का पूरा साथ मिल रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों में दोनों के संबंध में कड़वाहट घोल दी गई थी। ऐसा ही नजारा कुछ जाट नेताओं के बयानों से भी देखने को मिला था। एक आंदोलन के एक वरिष्ठ जाट नेता भी ऐसे ही संकेत देते नजर आए। जाटों और मुसलमानों में आपसी भरोसा विकसित करने की जरूरत है। मुलायम सिंह ने इसी समीकरण को बिठाकर हासिल की थी 2012 की सत्ता। ऐसा हुआ तो बढ़ सकती है बीजेपी की दिक्कतें। यदि विपक्ष का यादव मुस्लिम गुर्जर जाट और राजपूतों का समीकरण बैठ गया तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कानपुर विश्वविद्यालय का अधूरा होमवर्क छात्रों के लिए टेंशन बना हुआ है। विश्वविद्यालय में बीबीए के छात्रों के रिजल्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है। 7 विषयों की जगह 6 विषयों के कॉपी जांच कर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। रिजल्ट देरी से आने से छात्रों की स्कॉलरशिप भरने की समस्या बढ़ गई है। फीस को लेकर भी विश्वविद्यालय के छात्रों में नाराजगी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित छात्रों ने हंगामा कर दिया है। मामले में अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म अब तक नहीं भरा गया है, फीस जमा करने को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। जब तक हमारे पास हमारे साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम आंदोलन लगातार करते रहेंगे। और बीजेपी के एक विधायक जी को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। बात शाहजहांपुर जिले की एक विधानसभा सीट की है। विधायक जी के हितेशी लखनऊ की पैरवीकार ने इसका खुलासा किया और कहा बातों ही बातों में पैरवीकार कर बैठे अपने मन की बात। विधायक जी अपनी मूल बीएसपी पार्टी छोड़कर आए थे बीजेपी में। बीएसपी से 2 बार विधायक रह चुके लेकिन अब विधायक जी का फीडबैक सही नहीं आ रहा। विधायक जी पर है आय से ज्यादा संपत्ति बनाने जैसे कई संगीन आरोप। एक अर्धसैनिक मंत्री जी ने यहां तक कहा कि ऐसे विधायकों को पार्टी से अभी ही कर देना चाहिए बाहर। लेकिन पैरवीकार ने अभी कार्रवाई करने के पीछे दिए तर्क। हालांकि पैरवीकार की माने तो विधायक जी का टिकट कटना लगभग तय है। अगर ऐसा हुआ तो विधायक जी जा सकते हैं अपनी पुरानी मूल पार्टी के अंदर, लेकिन बीएसपी का सत्ता में आना नामुमकिन है। ऐसे में विधायक जी को है बीएसपी और बीजेपी के गठबंधन की उम्मीद। ऐसे में यहां से नहीं वहां से विधायक जी का है सत्ता में बने रहने का प्लान।